विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। आज 11 बजे सदन में होगी चर्चा। आबकारी दिवस पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में होंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी होंगे मौजूद। अपने मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी विपक्ष। विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आज 11 बजे सदन में चर्चा होगी, जिसमें कई मुद्दों के साथ अब विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। बता दें, आज कई मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लगातार घेर रही थी, आज भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा विपक्ष। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम संवाददाता विभांशु का रुख करेंगे। विभांशु, विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि विधानमंडल यानी कि विधानसभा के सत्र का आज अंतिम और पांचवा दिन है। आपको बताएं कि आज सदन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो नो लॉबी है यानी कि विपक्ष, उससे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। और आपको बताएं कि आज आबकारी दिवस है, उस पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ जो हाल ही में तमाम मुद्दों पर विधेयक जो पास करने की बात कही जा रही थी, तो उस पर भी विपक्ष उस पर हमलावर होगा। साथ ही आपको बताएं कि आज आखिरी दिन है, तो इसमें जो हाल फिलहाल में जो प्रदेश में हो रहा है उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर हो सकता है और हंगामे के भी आसार दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कल विधानसभा सत्र में चौथे दिन ऐतिहासिक दिन के तौर पर इतिहास में याद रखा जाएगा, जब उत्तर प्रदेश सूबे, देश के सबसे बड़े सूबे में एक दिन पूरा जो सदन था वो महिलाओं को समर्पित था। उसके ठीक बाद अब जो सदन है वो नॉर्मल कार्रवाई जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, मगर देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष आज जहां सदन से ठीक पहले जो सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, वो आनंदीबेन पटेल महामहिम से राज्यपाल से मिलकर आए हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर बात किए हैं। तब देखने वाली बात ये होगी कि आज की मुलाकात पर वो आज सदन में क्या उस पर बात करते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो तमाम जो मुद्दों पे घेरने की बात कही जा रही है वो मुद्दे क्या होते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां एक तरफ चाहे बात की जाए केंद्र सरकार में विपक्षी दलों की, चाहे प्रदेश सरकार की विपक्षी दलों की, सभी जो विपक्षी दल हैं वो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तब देखना है कि सरकार इस पर कैसे अपना बचाव करती है और विपक्ष किस तरह से महंगाई के मुद्दों को उठाता है। और आम जनमानस दिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी सरकार की जो पहली सरकार थी यानी कि 2017 से और 2022 तक, उसमें देखा जाए तो कमजोर विपक्ष था, मगर इस बार का सदन कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की वजह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो तमाम 111 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, साथ ही साथ उसके साथ सहयोगी दलों के विधायक हैं, ये सभी विधायक आज सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। और अंतिम दिन है तो तमाम जो विधायकगण हैं, साथ ही साथ मंत्रीगण हैं, इनको बोलने का मौका भी दिया जाएगा और कम समय है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन कम समयों में जो पूरी बात है वो रख सकेंगे सदन में। जी मयूरी, विवांशु, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, आज भी वो पूरी कोशिश करेगा सरकार को घेरने की, तो क्या अहम मुद्दा हो सकता है जिस पर विपक्ष हमला बोल सकता है? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि विपक्ष साफ तौर पे आज जहां तक सामने आ रहा है वो विपक्ष पूरी तरह से जो बढ़ती महंगाई है, साथ ही साथ हाल ही फिलहाल में जो खाद्य पदार्थ है रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले 5% GST जहाँ लगे, यानी कि दूध मछली आटा इन सभी चीज़ों पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है,
उस पर भी घेरेगा कि आखिर 5% जीएसटी से क्या हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आटे के रेट बढ़ गए हैं और तमाम जो दूध संबंधित व्यक्ति है चीज़ें हैं उसकी रेट में इजाफा हुआ है। साथ ही जो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी है इन सब मुद्दों पे चर्चा की जाएंगी, ऐसे कई सारे मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं कटाक्ष मारती रहती है। और वहीं अगर देखें तो अब साल के अंत में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव से ठीक पहले सदन लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हवाओं का रुख तेज हो गया है कि आखिर निकाय चुनाव को भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है लोकसभा के, तब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होता है और जो हंगामे की आसार नजर आ रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और तमाम जो विधायक 403 विधायक उत्तर प्रदेश से विधानसभा में हैं, तो इन सभी विधायकों के द्वारा जो 111 हैं, अगर विपक्ष कल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि विपक्ष को अपनी बात को रखने के लिए पूरा मौका नहीं दिया जा रहा, उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा है सदन के अंदर में, तो आज देखने वाली बात ये होगी कि किसे वक्त ज्यादा मिलता है और वक्त मिलता है तो वो किस मुद्दों पे बात करते हैं। जी मयूरी, धन्यवाद भवंसु तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं।